8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में जन्मे थे राजकुमार। बंटवारे के बाद परिवार के साथ हिंदुस्तान आ गए। कहते हैं कि उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। 1940 में राजकुमार मुंबई आए और इंस्पेक्टर की नौकरी पर लग गए। जिस थाने में वो पोस्टेड थे वहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग आते जाते रहते थे। एक दिन प्रोड्यूसर बल दुबे की नजर इंस्पेक्टर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार के बात करने के अंदाज से वे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और अपनी अगली फिल्म शाही बाजार ऑफर कर दी। 1989 में आई जंगबाज में गोविंदा और राजकुमार ने साथ में काम किया। गोविंदा ने एक शर्ट पहन रखी थी जो राजकुमार को बहुत पसंद आई। गोविंदा ने खुश होकर राजकुमार को वो शर्ट दे दी। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का रुमाल बना लिया है। राजकुमार का ऐसा स्वभाव था कि कई एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। तिरंगा के निर्देशक मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जिससे भी वो इंस्पेक्टर शिवाजी राव बागले के रोल के लिए बात करते वो मना कर देते। नाना पाटेकर ने इंस्पेक्टर बागले के रोल को यह कहकर ठुकरा दिया था वो कमर्शियल फिल्में नहीं करना चाहते। फिर मेहुल ने जैसे तैसे नाना को राजी किया। 1958 में आई पैगाम में दिलीप कुमार और राजकुमार ने स्क्रीन शेयर किया था। एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था, उन्होंने कस के चांटा जड़ दिया। इसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। 33 सालों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम तक नहीं किया। रामानंद सागर आंखें की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास गए। राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को अपने पास बुलाया और पूछा, इस फिल्म में काम करोगे? कुत्ते ने कोई हरकत नहीं की। रामानंद सागर की तरफ मुड़कर राजकुमार ने कहा, जब ये रोल मेरा कुत्ता नहीं करना चाहता तो फिर मैं कैसे हाँ कर दूं? फिल्में हिट हों या फ्लॉप, हर फिल्म के बाद राजकुमार अपनी फीस बढ़ा देते थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो हर किरदार को ईमानदारी से निभाते हैं, इसलिए कभी नहीं सोचते कि वो फेल हो गए। उनका कहना था, फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं लेकिन राजकुमार नहीं। सिल्वर स्क्रीन पर कई दशक बिताने वाले राजकुमार ने 3 जुलाई 1995 को आंखें बंद कर ली। गैरतलब है कि इस बात की किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उनके पिता को गले का कैंसर था। पिछले 2 साल से वो बीमार थे लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके फैंस को पता चले।